संविधान सभा के पीछे लोक स्वीकृति का अभाव। संविधान के विरुद्ध यह भी आपत्ति की गई कि उस पर जनमत संग्रह कराए बगैर ही उसे लागू कर दिया गया, अतः संविधान को जन अनुसमर्थन प्राप्त नहीं था। आलोचकों का यह कहना है कि यदि तत्कालीन अशांतिपूर्ण परिस्थितियों में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव कराया जाना संभव नहीं था, तो कम से कम संविधान को जनता के समक्ष रखकर उसका अनुमोदन तो कराया ही जाना चाहिए था। लेकिन इस आलोचना के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जिन कारणों से स्वयं संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं कराया जा सका, उन्हीं कारणों से संविधान पर जनमत संग्रह कराना भी संभव नहीं था, क्योंकि उसके लिए भी पूरे देश में मतदान कराना पड़ता, जो उस समय की विषम परिस्थितियों में व्यवहारिक नहीं था।